तो अस्सलाम वालेकुम यार, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग घरिए से होंगे। मैं बिल्कुल घरिए से हूँ। तो यार ये कल ना हम लोग नए लबड़ ले आए थे, आप ही देख सकते हैं। अभी वो जो हमारे पास पहले थे ना, एक वो कोने बैठा हुआ है और एक ना ये नीचे है। ये दोनों दोनों ही मेल थे और हमने 4 महीने से इनको एक साथ रखा है। तो फिर कल जाके ना हमने एक डिफरेंट इनकी नस्ल ली और इनने बोला कि ब्रीड कर लेंगे इनके साथ। ये दोनों फीमेल हैं, घर के अंदर चली गई आई थिंक। नहीं नहीं दोनों वो हैं ये, तो ये दोनों फीमेल हैं। तो यार अभी यहाँ पे सुराख होया है ना, तो ये यहाँ से एक फीमेल ऊपर आ गई है। तो अब वो दोनों एक साथ बैठी हुई हैं, लड़ तो नहीं रही लेकिन इनको जल्दी से मैं अभी नीचे कर दूंगा। तो यार आप हमें कमेंट में बताएं लवबर्ड की नस्ल कौन सी, और आपको अगर अच्छे लगे हैं तो लाजमी बताइएगा यार। चले यार अब ऐसा करते हैं, अपने मेन केज की तरफ जाते हैं। तो उसके जाने से पहले ना आज हमने यार इसकी जगह ही बदल दी है। अब हमने पिंजरे को यहाँ पे ले आए हैं। वैसे कोई पिछले 2-3 दिन धूप लगी थी, कल तो काफ़ी धुंध थी। तो धूप लगने से ना फ़ायदा ये है कि हमारी पुरानी जगह पे ना धूप बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन अब यहाँ पे रखे हैं ना तो काफ़ी धूप आती है। तो इनको ना दोपहर के वक्त हम लोग इनका पूरा पर्दा खोल देते हैं ताकि इनको धूप वगैरह लगे। तो अभी देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। ये देखें लगे हुए हैं खेलने एक दूसरे से। तो अब जल्दी से अंदर जाते हैं, बच्चे देख लेते हैं एक तो। और आपके एक भाई ने यार कमेंट किया है कि यार आप बड़ी वीडियो बनाया करें, आप काफ़ी छोटी वीडियोस बनाते हैं। तो आज इंशाल्लाह कोई 7 से 8 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यार कॉकटेल के कितने अंडे आ गए हैं। बाकी लव बर्ड की एक तो हमने नेस्टिंग उनको देनी है। ऊपर वाला घर की नेस्टिंग तो कंप्लीट थी, उनको भी थोड़ी दे देंगे अगर उन्हें और करनी हो। बाकी ये नीचे वाले घर में ना नेस्टिंग थोड़ी कम है, तो यहाँ पर मैं नेस्टिंग ले आया था और जल्दी से इनको नेस्टिंग भी देते हैं। तो यार ये वाला नेस्टिंग मटीरियल जिसकी मैं बात कर रही थी, 100 रुपये को आपको मार्केट से मिल जाता है। अभी नेस्टिंग मटीरियल जल्दी से देते हैं ताकि अपनी ब्रीडिंग शुरू करें। और ये मैं कहता हूँ कॉकटेल को भी दे देंगे ये नेस्टिंग मटीरियल, इससे क्या होता है वो थोड़े और ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठ भी सके और उनका अंडा भी से इतना इंक्यूबेट हो सके। तो यार हम लोग इनका नेस्टिंग मटीरियल काट रहे हैं और जल्दी से उनको दे देते हैं। तो यार हमने ये लवबर्ड के लिए कर दिया लहदा, अब जल्दी से ऐसा करता हूँ ये रख देता हूँ नेस्टिंग मटीरियल। और उस फीमेल को भी ना यार नीचे लाना पड़ेगा, और मुझे भूल गई है इनको फीमेल कौन कौन सी दी थी, मुझे बिल्कुल भूल गई है। तो ऐसा करते हैं यार, मुझे बिल्कुल नहीं याद अब। तो चलें अब कुछ भी नहीं होता, अब जोन से भी ऊपर रह गई क्योंकि एक दिन ही होया अभी, तो जोड़ी बदल जाएगी। तो इसको जल्दी इसकी फीमेल देते हैं, ये भी काफ़ी तंग हो गए, परेशान हो गए बैठा हुआ है, बार बार ऊपर देख रहा है। तो ये नेस्टिंग मटीरियल भी रखते हैं और उसको पकड़ते हैं जल्दी से। तो उसने अपनी मर्ज़ी से ही आना है। ये लो भाई अपनी ब्रीडिंग शुरू करो जल्दी से, और इसको वहाँ से बंद कर देते हैं। ऐसा करते हैं फीमेल को ना जहाँ से सुराख है ना वहाँ से वापस भेज के बंद कर देते हैं। यार वो लाल नहीं, इसको पकड़ना वो हिल ही नहीं रही। आजा थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसको पकड़ने में। आजा आजा कौन है, नहीं पकड़ी जा रही, बहुत तेज है। पैसे नहीं इतनी तेज थी, अब बहुत तेज हो गई है। पहले तो इनको मिनट में पकड़ लिया था। थोड़े गलत तरीके से पकड़ा है लेकिन चलेगा। चल भाई अपने घर इसको रख दिया, वो कोने में बैठ के ये जाके। तो आप ऐसे ना करते हैं यहाँ पे कोई ईंट वगैरह रख देते ताकि वो दोबारा ना इसको ला के आ जाए, क्योंकि उसको पता लग गया यहाँ से ऊपर आना। तो यार ही मैं अंदर आ गया हूँ पिंजरे के, और ये देखे कैसे सारे ऊपर बैठे हुए हैं एक साथ। ये देखे ये देखे कैसे बोल रहे हैं। बाकी यार मैं कॉकटेल के लिए ले तो आया हूँ, लेकिन यार मैं कहता हूँ अभी रहने देते हैं इस क्लच के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यार इनका नेस्टिंग मटीरियल काफ़ी अभी डिस्टर्ब ना हो जाए अगर मैं और रखूँ। तो मैं ले तो आया हूँ नेस्टिंग मटीरियल, लेकिन मैं कह रहा हूँ रहने देते हैं इसको, ऊपर रख देते हैं यहाँ पे। और अगर रखना भी ना नीचे रख दूंगा, अगर इनका दिल होया ना तो ले जाएंगे, वरना आपको मैं अंडा दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो देखें इसके नीचे ही अंडा है बिल्कुल, और गुस्सा भी देखें उसका, देख रहे हैं गुस्सा। तो ऐसा करते हैं इसको हम लोग इधर रख देते हैं नीचे, ये इस कोने में कर देते हैं यहाँ पे, इधर सही रहेगा। तो एक तो जल्दी से यार मैंने अंडे भी देखने हैं और इधर भी का माहौल वगैरह सारा देखना है, बच्चे देखने हैं, बच्चे घूम बैठे हुए हैं।
अच्छा एक बच्चा ये है, माँ अंदर है, माँ ने अंडे दे दिए तो बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। यप चलो भाई बच्चे टाइम आ गया, माँ को अपने अंडों पे बैठने दो, तुम काफ़ी बड़े भी हो गए हो और अब खुद ही खाओ। ये देखे काफ़ी बड़ा है, ये सेल्फ फीड पे आ जाएगा, ये देख। तो तुम ऐसा करो, ओ खुद ही छलांग मार दी है, और ओए ओए नहीं नहीं हाँ, ये भी एक बच्चा बैठा है, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया, ये देखे। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तीन बच्चे थे, और तीन बच्चे नहीं तीन अंडे थे यहाँ पे सॉरी, और अभी भी ना इधर चार अंडे हो गए, लेकिन बच्चा कोई भी नहीं अभी तक निकला, लेकिन इनसे बच्चे निकल आएंगे, इनसे यकीनन बच्चे निकल आएंगे। और भाई ये तुम्हारी बस थी, आपको पता है ना मोटो इसका नाम है, दाना पानी इसका खाना काम है, और इसको कुछ भी नहीं आता, कोई इसने बच्चे नहीं देने अपने, अगर मेल है ना जोड़ी बनाई भी है ना उसे बस दाना लेना है, कोई ब्रीडिंग नहीं करवानी। तो भाई ठीक है तुम मुझे कर यहाँ पे और खा पी, बाकी एक हमारी फीमेल ये बैठी हुई है, इसको मार पड़ी है यार, जबकि तब से बच्चे नहीं दिया इसने, ओ अंडा सॉरी, ये देखें। ठीक है यार तो आराम से यार, डर क्यों रही हो, मैं कुछ नहीं कहने लगा। फिर यार ये हमारी अगली फीमेल है, इसके देखते हैं कितने अंडे हैं, इसके दो ही अंडे हैं और इसके दो ही रहने हैं, इसने काफ़ी देर के दो अंडे दिए हुए हैं और ये साफ सुथरे दिन में से बच्चे निकल आ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको पता है यार चार अंडे थे, लेकिन अब कोई भी नहीं रहा, सारे उसने फेंक दिए नीचे, चारों के चारों खराब थे, मतलब कि खराब भी नहीं थे, अंदर बच्चे थे, लेकिन बच्चे अंडे के अंदर ही मार गए थे, तो उसने वो फेंक दिए यार। फिर बाकी यार आप लोग पूछ रहे होंगे इतने ज़्यादा बच्चे निकले थे वो बच्चे कहाँ पे गए हैं, अब मैंने गौर किया है कोने में, हमने घर रखवाया था क्योंकि इनको उड़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता, तो ये अंदर सारे घुसे हुए हैं, ये देख तीन से चार अंदर बैठे हुए हैं, इनको मैं ज़रा बाहर निकाल दूँ, थोड़ा इनको उड़ने की प्रैक्टिस देते हैं आज, ऐसा करते हैं अभी अभी शुरू करते हैं। ये मैंने इनको बाहर निकाल दिया है, दोनों भाई हैं यार, ये काफ़ी छोटे मुझे लगते हैं, इनकी टेंशन ही हो रही है अब तो, ये बिल्कुल नहीं बड़े हो रहे ना, ये उड़ना चाहते हैं क्योंकि इतने मुझे लगते छोटे हैं अभी, दाना खुद ही खा लेते हैं, लेकिन ये बाकी यार हमारी ये हो गुरु है जिसके मैंने भी आपके नीचे बच्चे दिखाए हैं और किंग साइज वो बच्चे निकले हैं तीनों के तीनों, तीनों नहीं दो, बाकी वो दूसरा बच्चा है ना वो किसी और का है, और आई थिंक ये फिर से अंडों पे आ गई है, अभी अगर मैं इसका ढक्कन भी ऊपर से खोल दूँ तो मुझे नहीं लगता है डर के निकलेगी, कि डरती बहुत कम है सबसे, और ये मारती बहुत है बाकियों को, कोई इसके घर पे नहीं आ सकता, देखा ना हिल नहीं रही, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही, तो यार इसको तंग भी नहीं करना, ये मेरी फेवरेट है यार, इसको मैं बिल्कुल नहीं तंग करता, और अल्लाह करे यार इस बार भी काफ़ी प्यार से बच्चे निकाल लें, इस बार ठंड थी ज़रा उसके बच्चे इतने बड़े अच्छी तरह नहीं हुए, लेकिन उसने काफ़ी अच्छा फिर भी ध्यान रख लिया, कोई मरा नहीं उसका बच्चा। बाकी एक हमारी वाइट ये है, अंडों में बैठी हुई है, प्यारी सी वाइट है, ये देखें वो अंडा इसने दिखा दिया, तो इसको आप तंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ये तीनों बच्चे अब यहाँ पे आ गए हैं और जो अभी निकाला था उसको यहाँ पे ले आए हैं। चले ठीक है यार, ये हमारा किंग साइज बजी बैठा है, इसके वो बच्चे थे, ये काफ़ी प्यारा है यार, अल्लाह करे इसके बच्चे भी सही बड़े हो कि उस तरह बन पाए, बाकी एक उसका बच्चा ऊपर रहता है वो काफ़ी बड़ा भी है, ये देखें काफ़ी प्यारा है, ये देख उड़ता भी है अच्छा भला, तो ऐसा करते हैं इसको ना इधर रख देते हैं। चलें ठीक है यार, आज का मेरा व्लॉग इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो यार मेरे व्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, आपको मैं जल्द अगले व्लॉग मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।